नमस्कार दर्शकों, कैन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षकों ने महापंचायत में की गई घोषणाओं का स्वागत और अभिनंदन किया है। साथ ही इन घोषणाओं को आचार संहिता से पहले लागू करने की मांग को लेकर शिक्षक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए अतिथि शिक्षक महापंचायत द्वारा जो घोषणाएं की गई है उन्हें आचार संहिता लगने से पहले लागू किया जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों की प्रमुख मांगों में अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभाग परीक्षा आयोजित कराई जाए। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर 12 महानुबंध और वर्तमान में प्रमोशन और स्थानांतरण प्रक्रिया से बहाल न करते हुए रिक्त पदों में वरीयता के आधार पर रखा जाए। 50% आरक्षण के साथ वरिष्ठता के आधार पर बोनस अंक दिए जाने जैसी मांगे शामिल है। अतिथि शिक्षक संघ ने कहा है कि जो भी मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित रखेगा वे उनका सदैव साथ देने तैयार रहे।